गन्ने चोर चलिए गन्ने चौक रही है मम्मी खाना है मैं भी खाऊंगा पर रुक के खाऊंगा चलो आज दृश्य दिखाओ सुबह है हेलो गाइस कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे ये देख सकते हो आप राखियाँ गेट पर खड़ी हुई है मम्मी गन्ना खा रही हैं गन्ना खाना है गन्ना तबीयत खराब नहीं हुई केमिस्ट्री केमिस्ट्री अच्छा लगा है गन्ना अच्छा लगा So guys, सामने हमारी भैंसे हैं। मिस्ट्री आ चुले ले। अभी टप्पा बना रहा हूँ। रस का टप्पा। नहीं यूपी यूपी नहीं। मिस्ट्री ने तो सारे यहाँ रहने तो खिला दिए पिए। चाय पीने। Guys, good morning. अभी मैं विशाल खा रहे हैं रोटी। ये हमारा दूध। ये हमारे पति देव। और ये हमारा खाना। तो हम खाना खा लेते हैं हाय बोल दो गाइस को हाय अभी खाने भूख ही लगी है अभी बाद में बात करते हैं भाई ठीक है चलो सो हे गाइस मैं नाक में खुजली लग जाती सॉरी सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस कैसे हो आप सभी होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस और आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ रात के 9:30 बजे से देख लो आप टाइम आप देख सकते हो रात के हो रहे हैं 9:30 में 1 मिनट बाकी यानी कि 9:29 हो रहे हैं सो गाइज आज हम मतलब हमारे घर पे ना विशाल की तबीयत पहले ख़राब हुई थी जैसा कि आपने अगर पुराने व्लॉग्स में देखा होगा तो उनको कोल्ड हुआ था उनकी वजह से उनसे मेरे को मतलब हमेशा ऐसा होता है कि उनकी तबीयत ख़राब होती है फिर मेरी भी हो जाती है क्योंकि उनसे मुझे लग जाता है क्योंकि वायरल जैसा रहता है तो उनकी हुई थी अब सबकी तबीयत ख़राब है बस पापा जी ठीक है अभी बाकी मैं और मम्मी हम दोनों के गले ख़राब है कोल्ड हो रहा है तो इस वजह से हम शाम के टाइम अभी दूध लेते हैं इस टाइम भी खाना वाना सबका हो गया है हम दूध लेते हैं तो अभी दूध नहीं ले रहे हैं तो मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि गले बहुत ज़्यादा ख़राब है और चाय ऐसे में आपको पता ही कि जब कोल्ड होता है ना तो चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है तो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ अभी क्योंकि मम्मी को तो फीवर ही हो रहा है मैं फीवर से बची हुई हूँ मेरे को कोल्ड हो रहा है गले में बहुत ज़्यादा दर्द है और सेम विशाल जी के साथ भी है तो अभी बस अभी मैं क्या नाम है अब सबके लिए चाय बना रही हूँ आप देख सकते हो फिर मेरे को अभी अपने बर्तन वॉश करने हैं देन मेरे को अपनी सलेब और लेप साफ करनी है अपना रसोई साफ करनी है ठीक है तो मैं पहले चाय रख देती हूँ ठीक है सच्ची बताऊँ ना जब तबीयत ख़राब होती है ना तो सच में दूध दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो इस वजह से सब चाय ही पी रहे हैं तो मैं क्या कहता है मैं हमेशा नाप के दूध चढ़ाती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर दिक्कत होती है फिर वो बच जाती है फिर कोई पीता नहीं है तो इसलिए मैं हमेशा कप से नाप के ही दूध चढ़ाती हूँ हमेशा तो हमारे चाय में पानी नहीं डालते हम लोग मतलब दूध में ही पत्ती लगा लेते हैं क्योंकि दूध हमारे बहुत होता है तो इस वजह से फिर हम दूध में ही पत्ती लगा लेते हैं पानी क्योंकि फिर ना ये क्या होता है कि मलाई होती है काफ़ी मोटी मलाई निकलती है अभी आप देख सकते हो अगर मैं मलाई उठा के दिखाऊँ तो ये देखो कितनी मोटी मलाई है तो इस वजह से फिर वो पतला दूध हो जाता है जब मलाई जम जाती है ना गाढ़ी सी तो फिर पतला ही हो जाता है तो इस वजह से और ये 2 कप हो गए आधा कप मेरा मैं आधा ही कप लूँगी मेरा पेट भरा हुआ है और शाल 1 कप शाल का हो गया बस ठीक है तो ये बन गई है सबकी चाय और अब मैं इसको रसोई वहीं पे रख के आ जाती हूँ ना सो गाइस ऐसा था कि आज मैंने ब्लॉग नहीं डाला मतलब आज क्योंकि डेली सा रूटीन बना रहता है आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने का तो आज मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मैं सच्ची बताऊँ तो और विशाल भी घर पे थे तो फिर टाइम लगा ना पता ही नहीं चलता पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है तो गाइस चाय बननी मैंने रख दी है अभी ठीक है मेरी रसोई भी साफ रही है मैं जब चाय बन जाएगी ना उसके बाद ही करूँगी तो बाकी मैं अभी यहाँ पर रख दी डेली ब्लॉग डालने की ऐसी आदत हो जाती है ना कि
आप लोग मतलब ये बताइए, आज मैंने ब्लॉग भी डाला, आप आपसे बातें कैसे करूँगी, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, उनके रिप्लाई कैसे करूँगी, तो वो बड़ा हो जाता है। तो आज मैंने ब्लॉग भी डाला तो अजीब सा लगा मुझे, क्योंकि मेरे को आदत होती है कि मैं आपके रिप्लाई करती हूँ ना, जैसे कमेंट्स आते हैं तो इस टाइम में फ्री होती हूँ तो मैं रात के टाइम देखती हूँ कि किस किसने क्या क्या कमेंट किया, तो मैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ जब भी टाइम मिलता है। तो बस आज भी डाला तो अजीब लग रहा है, एक ना आदत सी बन गई है। सो गाइस, मैं अभी अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। बर्तन वॉश करने के बाद फिर हम मिलते हैं, ठीक है, बाय। नहीं बाय नहीं बोलना, सॉरी 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 सॉरी, बाय नहीं बोलना, बाद में बोलना बाय। सो गाइस, मेरी चाय बन चुकी है और अब मैं मेरे बर्तन में धो के, आप देख सकते हो मेरे पीछे से और अब मैं जा रही हूँ चाय लेके, ठीक है, नीचे नीचे डालूंगी इसको, चाय को है ले लूं ऐसे, तो या फिर चाय बनाने के लिए काम करती हूँ, बड़ी वाली ट्रे ले छोटी वाली। चलो गाइस नीचे चलते हैं, नीचे चले चाय लेके, फोन रख देती हूँ ना गिर जाएगा। गाइस आ गए हम चाय लेके नीचे, हाय। और ये हमारी मम्मी जी बहुत बीमार हैं और ये हम लाए चाय नीचे बना के, आ जाओ मम्मी। मतलब ठीक है, अब आराम है, अब थोड़ा मतलब दर्द, मतलब यहाँ तो जलन नहीं हो रहा, बस थूक सटकते वक्त हो रहा है। दवाई लेना, वो जो खाया ना लड्डू मीठा, उससे तो दवाई तो उसके बाद में ली है शायद या पहले। सुपाइज हमें चल रही है चाय, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी है, पापा कभी कुछ बोलते ना व्लॉग में। सुपाइज अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी मेरी भी और इनकी भी, देखो कहाँ बैठे हैं ये ऑयल डलवाने के लिए, कह रहे मसाज करो मेरी सर की। मतलब इतना बुरा हो रहा है, हमारे घर में सब बीमार पड़े हैं, मम्मी मैं ये पापा बच्चे हैं बेचारे, उनको भी थोड़ा थोड़ा कोल्ड होने लग गया अभी, बस कह रहे हैं जल्दी से तेल डाल दो, लेके भी आ गए तेल पे। हाँ जी दर्शक आपको, आपसे मिलना चाहते हैं। मिलवाओ फिर, तेल डाल दो तो, अब बातें तो करो फिर, डालूंगी तेल जल्दी लो। क्या बात कर रहे हैं, बात है नहीं करने के लिए कुछ, क्यों नहीं है बात, पूछो आप कैसे हो, आप सब तुम ही पूछ लो, ऐ तुम पूछ ले। ये बार बार पीछे क्यों सरक रहा है, क्या सोफा यार पीछे क्यों सरक गया फिर, अरे पीछे स्पेस होगा ना, अब नहीं सरकेगा, अब नहीं सरकेगा, तेल डाल दो यार, बिल्कुल भी अभी मन नहीं है, बिल्कुल भी बात करने का, क्यों मन नहीं है, ये थोड़े चिड़चिड़े होते हो रहे हैं जब से बीमार हुए हैं, क्यों मन नहीं है। ओए चाची, इंडिपेंडेंस से पहले ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ओए ओए ऐ पूछ लो यार, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, पूछ लिया देखो। चलो गाइस अब मैं थोड़ी सी इनकी मसाज कर दूं। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है गाइस और अरे बाप रे, सो सुबह तो नहीं है, खैर 2 बज रहे हैं दोपहर के, और गाइस आज अभी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक है, विशाल जी की भी ठीक है, वो चले गए हैं, और पापा तो, पापा की तो आज छुट्टी है तो पापा घर पर ही हैं, और अभी बस हम खाना वाना सारा हो गया है, बस मैं अपने थोड़े कपड़े सुंघा रही थी, फिर गाइस इतना मतलब एक दिन तबीयत ख़राब हो जाए बड़ा वैसा हो जाता है, शरीर अजीब अजीब सा गिरा गिरा सा, तब से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है बस सो जाऊँ मैं, गिरा गिरा शरीर हो रहा है पूरा एक तरीके से, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, इसलिए और अकेले तो बिल्कुल बोर सी हो जाती हूँ मैं, फिर इससे अच्छा सोचती हूँ कि सो जाऊँ। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं कुछ, मेरे को भूख सी लग रही थी, सो गाइस मैंने सोचा कि कुछ हल्का सा बनाया जाए, तो इस वजह से मैं बना रही थी मसाला। सो
तो गाइज इस वाले व्लॉग में प्लीज आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और प्लीज ना मुझे सजेस्ट कर दो कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि आप लोग, एक तो मुझे आइडियाज नहीं दे रहे हो यार, आप लोग इतना प्यार करते हो, मुझे थोड़ा सा प्यार और कर लो यार, थोड़े से आइडियाज दे दो कि मैं किस तरीके के मतलब प्रैंक नहीं या कुछ भी सजेस्ट कर दो कि भाई आप इस तरीके की वीडियो लेके आओ सामने। बाकी चलो ऐसा करते हैं, आप ना, मैं ये वाला व्लॉग डालने वाली हूँ, ठीक है, तो आप मुझे कोई डेयर दो, कोई भी डेयर दो, और मैं विशाल से रिलेटेड हो या किसी से भी, तो आप मुझे डेयर दो और मैं वो कंप्लीट करूँगी, ठीक है। ये वाला गेम खेलते हैं चलो। तो आज वाले व्लॉग में जो ये व्लॉग है जो मैं अभी शूट कर रही हूँ, ये जो डलेगा शाम को, तो वो प्लीज़ आप मुझे उसमें मुझे कमेंट में भर दो डेयर्स, भर दो आप लोग, मैं देखती हूँ हम लोग, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो, तो भर दो डेयर्स, और उन डेयर्स को फिर मैं सबके डेयर्स उठाऊँगी, स्क्रीनशॉट ले लेके स्पेशली व्लॉग में डालूंगी और दिखाऊंगी, और फिर हम डेयर करेंगे और बहुत मज़ा आएगा गाइस, ठीक है। तो तगड़े तगड़े से डेयर देना, तगड़े तगड़े से, ठीक है, चलो मज़ा आएगा यार। मुझे सोच सोच के मुझे इतना खुशी सी हो रही है कि आप लोग डेयर दोगे बहुत सारे, खतरनाक खतरनाक, और मैं उन्हें पूरा करूँगी। वाओ जी, तो ये मेरा पानी उबल गया है, अब मैं इसमें ओट्स डालने वाली हूँ, तो चलो फिर मैं गाइज ये बना लेती हूँ और फिर बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे अच्छे डेयर्स हो गए जिसे आपको देखने में मज़ा आए और मुझे करने में भी मज़ा आए, तो सोच समझ के डेयर्स दीजिएगा गाइज, और बहुत मज़ा आने वाला है व्लॉग में, सीरियसली। आप कोशिश करना कि डिफ़िकल्ट आप दो मुझे डेयर, है ना। तो गाइज अब देखो आप कितना मज़ा आएगा व्लॉग में फिर, अगर आप अच्छे अच्छे डेयर्स दोगे, इंटरेस्टिंग खतरनाक से, जो करने में भी मज़ा आए, मुझे भी और घर वाले भी शॉक्ड हो जाए ये क्या हो रहा है ना। तो ऐसे डेयर देना, और मैं और विशाल जी से भी रिलेटेड दे सकते हो आप, हम दोनों मिलके भी, अगर कुछ ऐसा हो कि मिलके भी करना हो, जैसे मुझे और विशाल को करना हो डेयर मिलके, तो वो भी आप ऊपर आप दो, जल्दी से भर दो, मैं देखना चाहती हूँ मुझसे कितना प्यार करते हो। तो मेरा ये वाला काम आपको ज़रूर करना है, और फिर मैं फिर आपके मस्त धमाकेदार अपना डेयर कंप्लीट वाली वीडियो लेके आऊंगी, और आप लोगों को भी इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा देखने में भी कि हाँ हमने दीदी को दिया था और इसने कर दिया पूरा, ठीक है। तो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का, आपको पता है कि मैं आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। इस बार रिप्लाई आपको वीडियो के थ्रू मिलेगा, तो आपको आलस बिल्कुल नहीं करना है, जल्दी से जाओ फटाफट से कमेंट भर दो मेरा, ठीक है ना। तो फटाफट से जाओ और कमेंट करो, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी, ठीक है। सो गाइस देखो, मैंने पहन लिया अपने कानों में अपनी छोटी छोटी वालियाँ, इनका ना एक्चुअली लॉक ख़राब हो रहा था, तो मम्मी अभी ठीक करा के लाई हैं आज ही इनको, तो मैंने आज ही डाल लिया ये, क्योंकि ना एक तुम्हारी गाड़ी में गिर गए थे तो मुझे डर लग गया था, तब से मैंने पहने नहीं है, तो अभी मम्मी करा के लाई हैं सुनार कैसे इसको ठीक इनका लॉक। सो गाइस आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भर भर के, ये डेयर करना है आपको, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, है ना, क्योंकि मैं थक गई हूँ, दवाई लिया तो थोड़ा नशा सा हो रहा हूँ। तो होप्स हो कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, और ये मेरे यहाँ पे ओट्स बनके बिल्कुल रेडी हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं इनको ट्राई करती हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम खाने जा रही हूँ, और मैंने कोई स्पेशल मंगाया नहीं था कि मुझे ओट्स खाना है, ये आया था, पता नहीं मम्मी कुछ लेके आई थी उसके साथ, नहीं फ्री मिला था, ये 4-5 पैकेट हो रहे थे, पहले मुझे लगा कि ये कुछ मसाला है, फिर मैंने बाद में इसको पढ़ा देखा, तो मैंने कहा भाई ये तो काम की चीज़ है, चलो खा लेते हैं। तो अभी खा के मैं बताऊंगी कि आपको कैसा लग रहा है ये, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ। ठीक है, इतना बुरा नहीं है, बट बीमार आदमी है जैसे मैं बीमार हूँ, तो उसके लिए बिल्कुल ठीक है, अच्छा टेस्ट है, काफ़ी लाइट सा अच्छा है। और ये भी है कि, लेकिन ये डाइट वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बट अगर मैं जब मैं अपनी डाइटिंग शुरू करूँगी तो मेरे ये काम आएंगे, तो मैं मम्मी को बोलूँगी कि मम्मी लाती रहा करो जो जिसके ये, मुझे अभी मेरे को पता नहीं है कि किसके साथ फ्री मिलता है ये एक चीज़, मम्मी शायद या तो निर्मा लाती हैं या किसी और चीज़ के लिए, आज मैं पूछ के बताऊँगी मम्मी से आपको कि किसके साथ ये फ्री मिलता है। ओके गाइस, तो हम खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको, बाय। और भूलना मत जो मैंने कहा है, ठीक है, अब हम डेयर वाले व्लॉग में मिलेंगे, बाय।